आज हम देखने वाले हैं एक कोरियन मूवी। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं हमारे हीरो योरी को, जो स्कूल जाते समय बस में सो गया होता है और उस बस में ज्यादा भीड़ होने के कारण वो अपने स्टॉप में उतर नहीं पाता और अगले बस स्टॉप में उतर जाता है। फिर स्कूल पहुंचने में देरी ना हो इसलिए वो भाग भाग कर स्कूल की तरफ जाने लगता है और स्कूल पहुंचते ही वो वहाँ के स्टूडेंट्स को किसी फेमस और हैंडसम एक्टर और एक सुंदर मॉडल के बारे में बात करते हुए सुन लेता है, जिन्हें काफी लोग पसंद करते हैं। फिर योरी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाता है, उसे इस स्कूल में से ट्रांसफर करने के बारे में पूछताछ करनी थी, लेकिन वहाँ के स्टाफ को योरी की बातें ठीक से समझ नहीं आती क्योंकि वो एक शर्मिला किस्म का इंसान होता है, इसीलिए उस स्टाफ को उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। असल में योरी को इस स्कूल से ट्रांसफर लेकर टोक्यो के एक बड़े स्कूल में जाना था। फिर योरी अपने स्कूल ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर लेता है और अब वो अपने नए स्कूल में आ पहुंचा है और वहाँ उसकी नजर एक सुंदर लड़की पड़ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि एक मॉडल है जिसके बारे में उसके दोस्त अक्सर बातें किया करते थे। और इस लड़की का नाम है शिजुको, जो योरी की बचपन की दोस्त भी है और उसकी क्रश भी होती है। योरी को इस स्कूल में इसलिए आना था क्योंकि वो शिजुको से मिलकर फिर उससे दोस्ती करना चाहता था और स्कूल में शिजुको को देखते ही वो बिल्कुल चौंक जाता है और उसके हाथ से सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। तब शिजुको उन पेपर्स को उठाने में उसकी मदद करती है और उसे कहती है कि वो 8 साल बाद फिर उससे मिली है और वो इस बात से बहुत ही खुश है क्योंकि 8 साल पहले योरी के पापा को दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए वो उनके साथ चला गया था। फिर शिजुको उसे अपना फोन नंबर देती है और उसे कॉल करने को कहती है। 8 साल पहले योरी, शिजुको और उनके खास दोस्त सुबारो, ये तीनों एक स्कूल प्ले के लिए ऑडिशन देते हैं और उस ऑडिशन में शिजुको और सुबारो कहते हैं कि हमको एक फेमस स्टार बनना है और वो उनका सपना भी है, लेकिन योरी की ये आशा होती है कि किसी दिन वो अपने शर्मिलेपन को दूर भगाकर लोगों के सामने जोर से और पूरे आत्मविश्वास के साथ बातें करेगा। योरी अक्सर सुबारो को देखकर निराश होता है क्योंकि सुबारो एक निडर और आत्मविश्वासी लड़का था, लेकिन शिजुको योरी को हमेशा कहती थी कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। और तब से शिजुको को एक फेमस मूवी स्टार बनाने के लिए वो उसे पूरी तरह से सपोर्ट करता था और काफी मदद भी करता था। एक दिन जब तीनों एक साथ खेल रहे होते हैं तब शिजुको ऊंचाई से गिर जाती है और योरी भागकर उसको गिरने से बचा लेता है, लेकिन खुद गिर जाता है और उसे चोट भी आती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं, सुबारो एक फेमस एक्टर बन चुका होता है और सारे स्टूडेंट्स उसको बहुत ही पसंद करते हैं। जब सुबारो स्कूल पहुंचता है तो सारे स्टूडेंट्स उससे बड़ी उत्सुकता से जाकर मिलते हैं। अब शिजुको को भी वहाँ के स्टूडेंट्स उतना ही पसंद करते हैं। कुछ दिन बाद योरी को अचानक ओकियो नाम के इंसान की कॉल आती है। ओकियो शिजुको का मैनेजर होता है और वो योरी को अपने ऑफिस में आने को कहता है और ओकियो के ऑफिस में जाने पर उसे कहा जाता है कि शिजुको के कहने पर शिजुको का असिस्टेंट उसको बनाया गया है। अब ये सुनकर योरी चौंक जाता है ये सोचकर कि शिजुको ने उसे अचानक अपना असिस्टेंट क्यों बना लिया, लेकिन वो इस बात के लिए मन ही मन में बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो अब शिजुको के साथ ज्यादा समय बिता पाएगा। अब शिजुको की शूटिंग लोकेशन पर जाते समय योरी हिरोमो नाम के इंसान से टकराता है, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर होता है, और फिर हिरोमो शिजुको को उदास बैठे हुए देखता है और उसे समझ में नहीं आता कि योरी वहाँ किसके लिए आया है। फिर कुछ देर बाद योरी शिजुको से जाकर मिलता है और शिजुको उसे पास वाले सुपरमार्केट से एक लिपस्टिक खरीद कर लाने को कहती है। अब कुछ साल पहले के सीन को दिखाते हैं जब योरी ने एक मैगजीन पर शिजुको की तस्वीर देख ली थी और उसे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई थी कि शिजुको एक सुपर मॉडल बन चुकी है, और तब योरी ने तय कर लिया था कि वो शिजुको के स्कूल में ट्रांसफर करेगा और उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करेगा। अब दिखाते हैं कि यहाँ योरी शिजुको के असिस्टेंट का काम करने में बहुत ही बिजी हो गया है क्योंकि उसे उसके पूरे स्केड्यूल का ध्यान रखना पड़ता है और सभी काम फटाफट निपटाने होते हैं। शिजुको को काफी एडवर्टाइजिंग फोटोशूट्स करनी होती है और वो बहुत ही बिजी रहती है, हालांकि अब वो सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग मॉडल होती है, लेकिन वो काफी मेहनत करके अपना काम दिल से करती है ये सोचकर कि उसका एक फेमस हीरोइन बनने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अब एक दिन शिजुको को एक अंडरवियर कमर्शियल के लिए फोटोशूट करनी होती है और उससे झिझक कर शिजुको खुद को चेंजिंग रूम में बंद कर लेती है और वो फोटोशूट के लिए बाहर नहीं आती और इस वजह से उस कंपनी का डायरेक्टर शिजुको को पेश करने वाली एजेंसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का फैसला करता है, लेकिन योरी शिजुको को मनाने के लिए पूरी कोशिश करता है और वो किसी भी तरह शिजुको को अपना आत्मविश्वास वापस लाने में मदद करता है। फिर जब शिजुको फोटोशूट के लिए बाहर जाती है तब बहुत ही लेट हो जाती है और उस कंपनी के स्टाफ और डायरेक्टर उस फोटोशूट के लिए कैंसिल कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरा भला कह देते हैं। अब ये सुनकर योरी शिजुको का पक्ष लेकर उनसे कहने लगता है कि शिजुको ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था उसमें मॉडल को काम से निकालने के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था, इसलिए लेट होने की वजह से आप उसको इस तरह नहीं निकाल सकते। अब योरी ये सब बातें बहुत ही ऊंची आवाज में कहता है और इतने लोगों के बीच योरी ने पहली बार इस तरह जोर से बातें की होती है, और फिर हिरोमो को उसे इस तरह बातें करते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसको शिजुको के साथ ये फोटोशूट करने के लिए कहता है। हिरोमो उसे कहता है कि ये फोटोशूट करने से उसे एक फेमस एक्टर बनने का मौका मिल सकता है। योरी पहले तो इसके लिए मना कर देता है,
लेकिन जब हीरो उसको समझाता है कि प्लीज तुम मान जाओ तो वो मान ही जाता है। और जब योरी अपना चश्मा निकालता है तो सभी लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो चश्मे के बिना बहुत ही हैंडसम लगता है। और शिज़ुको भी उसको देखते रह जाती है और फोटोशूट हो जाती है और उसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा निकलता है क्योंकि जिस प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज करते हैं वो मार्केट में बहुत ही लोकप्रिय बन जाती है। और यूरी अपने हैंडसम चेहरे की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है और लड़कियां तो उसके पोस्टर्स को देखकर उसको पसंद करने लगती है। और वो एडवर्टाइजमेंट फेमस होने की वजह से शिज़ुको को भी एक स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है जिसमें उसे सुबारू के साथ फीमेल लीड बनकर एक्टिंग करनी होती है। और शिज़ुको भी ये मौका गंवाना नहीं चाहती और बहुत ही खुश हो जाती है। अब एक दिन शिज़ुको अपने ड्रामा स्क्रिप्ट के डायलॉग का रियाज कर रही होती है और योरी भी उसके साथ साथ होता है और वो योरी से मेल लीड के डायलॉग्स को पढ़ने को कहती है जिससे शिज़ुको को अपने डायलॉग्स कहने में एक अच्छी केमिस्ट्री बनाने में मदद मिल जाएगी। अब यहाँ सुबारू अपने फैंस के साथ उनकी तरफ आ रहा होता है। योरी और सुबारू के 8 साल एक ही स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उनके बीच कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। और क्योंकि सुबारू एक एक्टर है और वो हमेशा काफी बिजी रहा करता था, सुबारू शिज़ुको को देखते ही उससे बातें करता है लेकिन वो बगल में खड़े योरी को ध्यान तक नहीं देता। अब अगले दिन शिज़ुको जाकर सुबारू से मिलती है और उसके गले मिल जाती है। उसे ये खबर मिली होती है कि उसे रोमियो और जूलियट नाम के स्टेज परफॉर्मेंस में सुबारू के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला है और वो बड़ी मेहनत करके एक्टिंग की ट्रेनिंग करती है ताकि वो स्टेज में अच्छे से नाटक कर सके और जिससे उसको फिल्मों में भी अच्छी एक्टिंग करने का मौका मिल सके। फिर कुछ दिन बाद ट्रेनिंग चलते समय उन्हें खबर मिलती है कि सुबारू का एक्सीडेंट हो गया है और उसे 1 महीने तक आराम करने को कहा गया है। अब इसीलिए हीरोमो और सभी स्टाफ तय करते हैं कि वे उस ड्रामा को पोस्टपोन कर देंगे लेकिन फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका हाथ से निकल न जाए ये सोचते हुए शिज़ुको हीरोमो से कहती है कि इस ड्रामा के लिए किसी दूसरे एक्टर को भी तो सेलेक्ट किया जा सकता है। और तब योरी हीरोमो से कहता है कि उसने मेन लीड के सारे डायलॉग्स को याद कर लिया है और वो सुबारू के किरदार को निभा सकता है लेकिन वहाँ के स्टाफ उसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो एक अच्छा एक्टर नहीं है बल्कि सिर्फ एक असिस्टेंट है। पर हीरोमो इस तरह नहीं सोचता, वो यूरी में छिपे हुए टैलेंट को पहचान लेता है और वो उसको सुबारू का किरदार निभाने की अनुमति दे देता है। फिर योरी वहाँ सभी के सामने एक्टिंग करना शुरू करता है और उसकी अच्छी एक्टिंग देखकर सभी लोग चौंक कर जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो सुबारू से भी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। और जब शिज़ुको से गले मिलने का सीन आता है तब योरी उस मौके को छोड़ता नहीं और उससे गले लगाकर अपनी सारी फीलिंग्स जताता है। वो उसे काफी समय तक गले मिले रहता है और हीरोमो आकर उसे कहता है कि सीन खत्म हो गया भाई, आप शिज़ुको को छोड़ दो। अब एक दिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान शिज़ुको अचानक ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है और योरी उसको बचाने के लिए भाग जाता है। और ये सीन वही 8 साल पुराना सीन जैसा लगता है जब योरी ने उसको नीचे गिरने से बचा लिया था और उसे भी ज्यादा चोट नहीं आई थी लेकिन इस बार उसे अपने हाथों में पकड़ते समय योरी का पैर मुड़ जाता है और उसको चोट आ जाती है। फिर शिज़ुको उससे माफी मांगती है लेकिन योरी बुरा नहीं मानता। फिर कुछ दिन बाद अचानक सुबारू ट्रेनिंग के लिए सेट पर आ जाता है। लगता है उसने इस ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए खुद को जल्दी स्वस्थ बना लिया है। फिर वो शिज़ुको से अच्छी एक्टिंग करने के लिए उसकी हिम्मत बढ़ाता है और पैर में दर्द के कारण वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रेनिंग के समय शिज़ुको और सुबारू इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि सब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और सभी उन दोनों की बहुत ही तारीफ भी करते हैं। योरी भी उनकी एक्टिंग को बैक स्टेज से देख रहा होता है और वो भी बहुत ही खुश होता है ये सोचकर कि शिज़ुको को अच्छी एक्टिंग करने का मौका मिला और बहुत ही जल्द उसे मूवीज में एक्टिंग करने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन यह खुशी योरी के चेहरे से उतर जाती है जब वो शिज़ुको और सुबारू के बीच होने वाली बातों को सुन लेता है। सुबारू शिज़ुको से कहता है वो उसको बहुत ही पसंद करता है और वो उसे प्रपोज भी कर लेता है। अब शिज़ुको का प्यार उसे मिल जाएगा ये सोचकर योरी का तो दिल ही टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद योरी को हीरोमो का कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि उसे एक मूवी में लीड एक्टर बनने का मौका मिला है और उसे साकी नाम के एक मशहूर हीरोइन के साथ एक्टिंग करनी होगी। तब योरी जाकर शिज़ुको से कहता है कि वो इस ऑफर को मना करने जा रहा है और वो हमेशा शिज़ुको का असिस्टेंट बनकर ही रहना चाहता है। लेकिन ये सुनकर शिज़ुको उससे कहती है कि अगर वो इस ऑफर को स्वीकार नहीं करेगा तो वो उसको जान से मार देगी। शिज़ुको के इस तरह गुस्सा होने से और इस तरह सपोर्ट की वजह से योरी उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है। साकी एक बिल्कुल ही एक्सपीरियंस एक्टर होती है और योरी एक एवरेज एक्टर होता है लेकिन इसके बावजूद वो साकी के साथ बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेता है। एक दिन योरी शिज़ुको और सुबारू को एक साथ समय बिताते हुए देख लेता है जिससे उसको बहुत ही जलन होती है। अब वो दोनों लवर्स हैं और इसलिए योरी उनके साथ कुछ नहीं कर सकता और इस बात से उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब यहाँ पर योरी और साकी की एक्टिंग की भी फिल्म की एडिटिंग प्रोसेस चल रही होती है और जब शिज़ुको योरी और साकी का इंटीमेट सीन को देखती है तब उसको भी बहुत ईर्ष्या होती है और उसको अच्छा नहीं लगता और उसे वो सीन देखकर रोना भी आ जाता है। फिर शिज़ुको योरी और सुबारू को साथ में देखती है जो चलकर कहीं जा रहे होते हैं। वो छुपके से उनका पीछा करती है और वो उन दोनों की कई बातें सुन लेती है। तब वे दोनों शिज़ुको के बारे में कुछ बातें करते हैं और कोई डील बनाते हैं जिससे शिज़ुको को पता चल जाता है कि योरी इतने सालों से उससे प्यार करता रहा है। असल में उनकी डील ये होती है कि शिज़ुको उसी की बनेगी जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतेगा और जो हार जाएगा उसे शिज़ुको को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। और फिर 3 महीने बाद सुबारू बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत जाता है।
और इसीलिए योरी यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाने का फैसला करता है। फिर कुछ दिन बाद एयरपोर्ट जाते समय वो एक बैनर में शिज़ुको की तस्वीर देख लेता है और तब उसे शिज़ुको के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं और वो तय करता है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए लड़ेगा। और यहाँ शिज़ुको सुबारो से कहती है कि उसने उससे कभी प्यार ही नहीं किया था और वो सुबारो से उन दोनों के बीच के रिश्ते को खत्म करने को कहती है। इस पर सुबारो कुछ नहीं कह पाता और वो शिज़ुको को जाने देता है। फिर योरी शिज़ुको और सुबारो की मूवी लोकेशन पर आ जाता है। फिर वो हिरोमो से शिज़ुको से कुछ बातें करने की अनुमति लेता है और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।